सभी को मीठा मीठा और ठंडा ठंडा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे। आज आपको ये कुछ नया फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ डालने के लिए बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बोला कि सर यूट्यूब पे हम एक्सप्लेन के रूप में पढ़ लेते हैं हर क्वेश्चन को और हमको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे एक्सप्लेन के रूप में पढ़ने के बाद हमको यदि पीडीएफ मिल जाए तो हम एग्ज़ाम के दौरान बहुत जल्दी से इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ सके। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप डाल रहे हो, ऐसी लाइनें मैं नहीं, बहुत सारे आप जैसे विद्यार्थियों ने बोला, इस वजह से मैंने ये फॉर्मेट बनाया। यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं चलाते तो टेलीग्राम डाउनलोड करें और वहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च करें गुरु गिरधर सर GS, रेड कलर की मेरी फ़ोटो दिखाई देगी और उस गुरु गिरधर सर नाम के टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, वहाँ से PDF प्राप्त करें। अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लगातार पढ़ी रहें, हर क्वेश्चन के साथ में मैं व्याख्या करता हूँ तो इस वजह से हर क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं और लगभग 300 क्वेश्चनों की ओर अपन अग्रसर हो गए हैं। धीरे धीरे मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत सारे लोगों तक आप वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मुझे मनोबल प्राप्त हो। मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना करके आपके लिए तैयार करूँगा, मेहनत करूँगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? जो चार ऑप्शन है इनमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन बनाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है कार्बन। आपने पढ़ा होगा CH2, बढ़ाते ही जाओ, जहाँ पर आपको रोकना होगा वहाँ पर CH3 लिख दो, क्योंकि इसकी जहाँ आप संयोजकता पूरी करेंगे वहीं पर ये यौगिक ख़त्म हो जाएगा। इससे अपन बहुत सारे असीमित संख्या के अंदर यौगिक बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यौगिक निर्माण, आप सोच रहे हैं सर इनमें भी देखो हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन ये गुण कार्बन का है संयोजकता की वजह से। तो सबसे ज़्यादा अपन यौगिक निर्माण में कार्बन तत्व काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? सबसे पहले अपरूप समझते हैं, अपरूप क्या होता है? देखो, जिन तत्वों की रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल गुणधर्म तो हो समान और फिजिकल यानी कि भौतिक गुणधर्म हो असमान, शॉर्ट में मैंने शब्द लिखे हैं, समझ गए होंगे। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुणधर्म समान और भौतिक गुणधर्म अलग अलग, बाप तो एक हो लेकिन उन जो संतान होती है उनमें गुण अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से कार्बन के तीन लड़के हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेंस। ये तीन अपर रूप हैं, बाकी ऑक्सो कार्बन्स ये अपर रूप नहीं है, ये भाई का लड़का है, ऐसे समझ लीजिए। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन ये कार्बन के अपर रूप हैं, तीनों में कार्बन पाया जाता है लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। ऑक्सो कार्बन्स में कार्बन है लेकिन यह अपर रूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन के तीसरे अपर रूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो इस टीम में सम्मिलित नहीं थी, गलत हो गया यहाँ पर। चलो अपन देखते हैं, ये कह रहा है कि जो कार्बन के तीन अपर रूप हैं हीरा, फुलरेन, ग्रेफाइट, जो तीसरा है फुलरेन, उसकी खोज में 3 वैज्ञानिकों की टीम थी और उस टीम के अलावा कौन सा साइंटिस्ट है जो उस टीम में नहीं था? तो वो साइंटिस्ट है फेमन। ये तीनों साइंटिस्ट इस टीम में थे। इन तीनों ने मनोबल बढ़ाने के लिए
इन तीनों में सबसे ज़्यादा योगदान बकमिनिस्टर का था। रिचर्ड ई बकमिनिस्टर इसका पूरा नाम है, तो इसके सम्मान में फुलरिन का नाम भी बकमिनिस्टर फुलरिन रख दिया था। एच डब्ल्यू क्रोटो अमेरिका के थे, आर एफ कर्ल ब्रिटेन के, आर ई बकमिनिस्टर ये तीन साइंटिस्ट फुलरिन की खोज में सम्मिलित थे। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान बकमिनिस्टर का था, इसलिए इनके नाम पर फुलरिन का नाम आज भी हम पढ़ते हैं। राइट आंसर फेमैन, ये स्टेम में नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, लोहा में नहीं है, चांदी में नहीं है, टिन में नहीं है, लिग्नाइट। जो लिग्नाइट है ये कोयला जो होता है, इस कोयले का प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट। और इस लिग्नाइट में प्यारे विद्यार्थियों कार्बन की मात्रा होती है 25 से 35% तक, 25 से 35% तक। तो निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो राइट आंसर होगा लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन, स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में कार्बन होता है 0.1 से 2%, थर्ड इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऐसा लोहा अपन तैयार करें जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया का कोई प्रभाव नहीं हो। उस लोहे के अंदर क्या अपन मिश्रित करके उस लोहे को तैयार करें? तो शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, क्रोमियम। एक क्रोमियम धातु होती है, इस क्रोमियम धातु को लोहे को अपन तैयार करने के दौरान यदि उसमें मिला देते हैं तो वो लोहा जंग रहित होता है, ऑक्सीकरण क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, नमी जल किसी से भी इस पर जंग नहीं लगती है। और इस प्रकार के क्रोमियम से मिश्रित लोहे को स्टेनलेस स्टील के नाम से अपन जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? किसे अमलगम कहते हैं? तो देखो अमलगम प्यारे विद्यार्थी हमेशा बनता है पारा प्लस धातु, एम का मतलब है मेटल, और पारे के साथ में किसी धातु को अपन मिला देते हैं तो उस पदार्थ को हम बोलते हैं अमलगम। पारा प्लस एम का मतलब मेटल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जस्ता तांबा नहीं, तांबा टिन नहीं, सीसा जस्ता नहीं, पारा प्लस जस्ता, पारे के साथ में जस्ते का मिश्रण अमलगम तैयार करेगा चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो अमलगम हमेशा पारा प्लस एम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का, हल्की चीज़ हमेशा तैरती है, तो चार ऑप्शन है, उनमें जल से कम डेंसिटी यानी कि घनत्व किसका है? तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सोडियम। एल्यूमिनियम जल में डूब जाएगा, मैग्नीशियम डूब जाएगा, मैग्नीज डूब जाएगा, सोडियम को जल में डालेंगे तुरंत यह ज्वलनशीलता का गुण प्रदर्शित करने की वजह से जल से आग पकड़ेगा, जल में आग की ज्वाला के साथ जलता हुआ तैरने लगेगा। जलने का कारण क्योंकि यह ज्वलनशीलता प्रदर्शित करता है, जल के साथ तुरंत ये आग पकड़ लेता है, और तैरने का कारण इसका घनत्व कम होता है। राइट आंसर हो गया थर्ड। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो हीरा, मोती, पन्ना, जवाहरात जो अपन सुनते हैं, तो ये मोती बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती किसका रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किसे जाना जाता है? माणिक्य और नीलम, तो देखो एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है जिसका नाम है कोरंडम, कोरंडम, और ये एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रकार है कोरंडम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रकार है कोरंडम, और इसी से बनते हैं माणिक्य और नीलम। तो माणिक्य और नीलम किसका रूप है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। या यहाँ पर चार ऑप्शन में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अयस्क दे देता,
बॉक्साइट देता, कोरंडम देता, तो यहाँ पर राइट आंसर होता कोरंडम। तो कोरंडम जो अयस्क होता है उसके द्वारा माणिक्य और नीलम हमको प्राप्त होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, खूब अच्छे तरीके से पढ़ें और पढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी अपने पास में बने और मुझे मनोबल मिलेगा बहुत अच्छे लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो बनाने के लिए, मैं और उत्साहित होऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।